ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। यह हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का 34 वीडियो है एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसिंक्रोनस काउंटर। एसिंक्रोनस काउंटर हम कैसे डिजाइन करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है कि डिजाइन ए 2-bit रिपल अप काउंटर यूजिंग निगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। ये जो आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, आपको इस क्वेश्चन का हर एक वर्ड को समझना होगा, देन आप इजिली डिजाइनिंग कर सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं 2-bit बोल रहा है। 2-bit का मतलब होगा कि हमें कितना फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड होगा, 2। अगर 3-bit होता तो 3, जितने बिट का होता उतना फ्लिप फ्लॉप हमें रिक्वायरमेंट होता है। रिपल, रिपल मतलब क्या हो गया कि एसिंक्रोनस काउंटर, एसिंक्रोनस काउंटर बोले या रिपल काउंटर, बात सेम होता है। अब आता है नेक्स्ट वर्ड अप काउंटर। अप काउंटर का मतलब होगा कि ये काउंटर काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेगा, जीरो से स्टार्ट करेगा, 0, 1, 2 ऐसे काउंटिंग करेगा। यूजिंग निगेटिव एज ट्रिगर्ड, निगेटिव एज ट्रिगर्ड का मतलब होगा कि इसमें जो क्लॉक अप्लाई होगा वो निगेटिव एज ट्रिगर्ड होगा। जो आपका ये क्लॉक होता है, जैसे ये क्लॉक ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो ये क्लॉक का ये पॉजिटिव एज होता है, जो ऊपर जाता हुआ जाता है ना, इसको पॉजिटिव एज बोलते हैं, एंड जो फॉलिंग वाला होता है उसको निगेटिव एज बोलते हैं। क्लॉक का दो एज हो गया, ये पॉजिटिव एज एंड निगेटिव एज, इसको बोलते हैं लेवल। ये अप लेवल होता है, ये डाउन लेवल होता है। तो क्लॉक में चार चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ये पॉजिटिव एज हुआ, ये निगेटिव एज हुआ, ये अप लेवल एंड ये डाउन लेवल। तो क्लॉक को फ्लिप फ्लॉप, यूजिंग फ्लिप फ्लॉप, अब फ्लिप फ्लॉप आप कोई भी यूज कर सकते हो। देन आपको ये भी पता है कि हम काउंटर को डिजाइनिंग में केवल दो ही फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, या तो जे यूज कर सकते हैं या तो के टी यूज कर सकते हैं, एस आर एंड डी यूज नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर जे के फ्लिप फ्लॉप यूज किया। एंड अगर निगेटिव एज ट्रिगर्ड है तो निगेटिव एज निगेटिव क्लॉक को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बबल्स दिखाते हैं। अगर पॉजिटिव रहता तो ये बबल्स नहीं होता, सीधा ही लाइनिंग ज्वाइनिंग हो जाता। ये तो समझ में आया कि निगेटिव एज ट्रिगर्ड का मतलब क्या हुआ। अब एसिंक्रोनस काउंटर में आपको ये पता है कि हम क्या करते हैं कि ये जो सबसे लेफ्ट में जो फ्लिप फ्लॉप होता है जिसको LSB बोलते हैं, एंड सबसे राइट में जो होता है उसको MSB बोलते हैं, तो लेफ्ट वाले को हम क्लॉक प्रोवाइड करते हैं एंड इसका आउटपुट इसके लिए एज ए क्लॉक काम करता है, ठीक है। तो इसका आउटपुट ये भी होगा, इसका आउटपुट ये भी होगा। अब बात ये आता है कि हम किसके आउटपुट को कंसिडर करेंगे, इसके आउटपुट को या इसके आउटपुट को। तो सिंपल सा बात है कि आप देखो कि आपको पता है ना कि निगेटिव निगेटिव मिलकर क्या बनता है, निगेटिव को अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव बनता है, एंड निगेटिव को अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें तो आपका निगेटिव बनता है। ये जो मैथ का आपको फंडा है इसको आप यहाँ पर याद अप्लाई करो एंड आप इजिली इस चीज़ को याद कर सकते हो। देखो निगेटिव है, निगेटिव क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स ये निगेटिव इनटू, एंड आपको क्या चाहिए अप काउंटर, इट मीन्स आपको फाइनल प्रोडक्ट चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। निगेटिव इट मीन्स आपको यहाँ पर क्या करना है, निगेटिव लगाना है, निगेटिव लगाना है, ठीक है। ये तो आपको फिक्स होगा कि यहाँ पर आपको फिल करना है निगेटिव। तो जो ये क्लॉक होता है अगर ऐसे हो, ऐसे ऐसे का मतलब डाउन में है, इट मीन्स ये निगेटिव है, एंड अगर ऐसा सिंबल हो तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है एंड ये पॉजिटिव, पॉजिटिव क्योंकि अप इंक्रीज हो रहा है ना ये, तो ऐसा जब सिंबल आएगा तो ये पॉजिटिव का सिंबल हुआ, एंड ऐसे जो डाउनिंग का सिंबल होगा तो ये निगेटिव का सिंबल होगा। तो आपको अगर आप इससे क्यू नोट से अगर आप कनेक्ट करते हो, क्यू नोट से आप ऐसे कनेक्ट करोगे, ठीक है, होगा डाउनिंग डाउन क्लॉक पल्स जैसा बनेगा, इट मीन्स ये निगेटिव। अगर आप इस ऐसे अगर कनेक्ट करते हो तो ऐसे होगा, अगर आप क्यू नोट से कनेक्ट करोगे तो ऐसे कनेक्ट होगा, एंड क्यू नोट बार से अगर ये क्यू नोट बार से अगर कनेक्ट करते हो तो ऐसे कनेक्ट होगा, एंड Q1 से अगर कनेक्ट करते हो, Q0 से कनेक्ट करते हो तो ऐसे होगा, इट मीन्स ऐसे डाउन में आएगा। तो ये वाला निगेटिव का काम करेगा क्योंकि ये पल्स डाउन में है, एंड ये वाला पॉजिटिव का काम करेगा। ये तो समझ में आ गया। तो आपको अप काउंटर का मतलब हुआ पॉजिटिव, पॉजिटिव चाहिए, इट मीन्स दो निगेटिव पॉजिटिव चाहिए, एंड आपको बोल दिया गया कि निगेटिव इज ट्रिगर्ड, इट मीन्स आपका क्लॉक टू निगेटिव होगा, इट मीन्स आपका एक टू निगेटिव हो गया, एंड दूसरा यहाँ पर भी आपको निगेटिव ही फिल करना है। निगेटिव फिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्यू नोट से कनेक्ट करना होगा, क्यू नोट से ऐसे कनेक्ट करना होगा, एंड यहाँ पर ऐसे क्लॉक दे दोगे, तो ये आपका डाउनिंग, इट मीन्स ये निगेटिव। समझ में आ गया कैसे करना है। तो ये एंड यहाँ पर आप आउटपुट ले लोगे क्यू नोट एंड क्यू वन, दो फ्लिप फ्लॉप हो गए, कैसे कनेक्शन किए हैं ये आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इसका टेबल, ट्रूथ टेबल कैसे काम करता है। तो क्लॉक जीरो, क्लॉक जीरो का मतलब क्या हुआ कि हम अभी कोई क्लॉक प्रोवाइड नहीं कर रहे,
इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट में कोई क्लॉक प्रोवाइड नहीं करें, इट मींस हमारा फ्लिप फ्लॉप जैसे होगा वैसे ही उसी स्टेट में कोई काम नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, सपोज कर लिया कि क्यू हमारा इनिशियल स्टेट 0 0 है, इसमें भी जी क्यू नॉट पे 0 है एंड क्यू वन पे भी 0 है। अगर क्यू नॉट पे 0 है तो क्यू नॉट बार पे क्या होगा, 1, इसमें भी 1, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर ये 0 तो ये 1, ये 1 होगा तो ये 0। अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट क्लॉक को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखो क्लॉक को तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्या है निगेटिव एस ट्रिगर, निगेटिव एस ट्रिगर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे डाउन में, अगर पॉजिटिव होता तो अप में दिखाता। फर्स्ट क्लॉक को प्रोवाइड किया यहाँ पर, तो आपको पता है कि जेके फ्लिप फ्लॉप पे अगर 1 1 इनपुट हो एंड क्लॉक प्रोवाइड करे तो क्या होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। जो हमारा यहाँ पर इनपुट होगा, आउटपुट होगा, प्रीवियस आउटपुट, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। एंड हमने अभी क्या एज्यूम किया कि 0 है, आप एज्यूम 1 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमने एज्यूम किया 0, तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 हुआ, क्यू नॉट अगर 1 हुआ तो क्यू नॉट बार क्या हो जाएगा, 0। इस फ्लिप फ्लॉप का काम कंप्लीट हुआ। अब इसको देखो, ये फ्लिप फ्लॉप रेस्पॉन्स करेगा निगेटिव क्लॉक पे। निगेटिव क्लॉक का मतलब क्या हुआ कि 1 से 0 ट्रांजिशन होना चाहिए, 1 से 0, तभी तो निगेटिव हो रहा है। 1 से 0 का मतलब क्या हुआ, निगेटिव। एंड पॉजिटिव क्या हो जाएगा, 0 to 1। तो ये जो हमारा आउटपुट है, ये हमारा कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 0 to 1 आ रहा है, ये हमारे 0 to 1 चेंज हो रहा है। इट मीन्स ये पॉजिटिव ट्रांजिशन है। तो पॉजिटिव ट्रांजिशन इसका आउटपुट, ये जो आउटपुट है ये पॉजिटिव ट्रांजिशन करेगा, इट मीन्स ये पॉजिटिव क्लॉक का काम करेगा। तो ये फ्लिप फ्लॉप हमारा पॉजिटिव क्लॉक पे कोई रेस्पॉन्स नहीं करेगा, इट मीन्स जो प्रीवियस स्टेट था उसी स्टेट को मेंटेन रखेगा। तो 0 की जगह 0 रहेगा एंड 1 की जगह 1 रहेगा। समझ में आया क्या किया, ये निगेटिव पे काम करेगा। एंड निगेटिव का मतलब क्या होता है कि 1 से 0 ट्रांजिशन होना चाहिए, मतलब घटना चाहिए। एंड पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, 0 to 1। तो ये निगेटिव पर काम करता है, तो ये इसका आउटपुट जा रहा है ना, तो इसका आउटपुट को हम देखेंगे कि ये कैसे चेंज हो रहा है। इसका आउटपुट हमने पहले 0 माना था एंड 1 प्रोवाइड किया, 1 1 पे क्लॉक जो प्रोवाइड किया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, 0 to 1 हो गया। तो ये चेंजिंग हो रहा है 0 to 1, तो 0 to 1 इट मीन्स पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्लॉक पर ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये निगेटिव है ट्रिगर्ड, ठीक है। एंड एक चीज़ और कि जेके फ्लिप फ्लॉप पे 1 1 इनपुट यहाँ पर भी रहेगा ना, तभी तो इनपुट तो 1 1 हमने प्रोवाइड किया है। फ्लिप फ्लॉप है, सिक्वेंशियल सर्किट है, तो इसमें इनपुट के साथ साथ हमें क्लॉक भी प्रोवाइड करना होता है। तो हमने इनपुट तो हमने प्रोवाइड किया, लेकिन हमारा क्लॉक पॉजिटिव गया था, इसकी वजह से ये काम नहीं किया एंड ये वाला काम किया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा क्लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं, सेकेंड क्लॉक निगेटिव यहाँ पे। तो ये तो काम ऑलवेज करेगा, ये क्या करेगा अपने स्टेट को फिर चेंज करेगा, क्योंकि 1 1 इनपुट है एंड हमने निगेटिव क्लॉक प्रोवाइड किया। तो ये क्या करेगा, अपने प्रीवियस वाले स्टेट से उल्टा हो जाएगा। तो 1 था तो ये 0 हो जाएगा, अगर क्यू नॉट 0 हुआ तो क्यू नॉट बार क्या हो जाएगा, 1। तो अब देखो कि ये 1 to 0, इट मीन्स ये निगेटिव ट्रांजिशन है एंड यहाँ पर आपको निगेटिव क्लॉक का ही तो जरूरत है। इट मीन्स ये क्लॉक भी इस बार काम करेगा। तो ये क्या करेगा कि अपने जो प्रीवियस स्टेट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा। प्रीवियस स्टेट हमने क्या माना था, 0, तो 0 का क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। एंड क्यू नॉट अगर 1 है तो क्यू नॉट बार क्या होगा, 0, क्योंकि ऑलवेज ये कॉम्प्लीमेंट ही होंगे। अगर ये 1 तो ये 0, 0 तो 1। अब हम क्या कर रहे हैं, थर्ड क्लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं निगेटिव। थर्ड क्लॉक प्रोवाइड किया तो ये फिर अपने स्टेट को चेंज कर लेगा, इट मीन 0 था तो ये 1 हो जाएगा। एंड अगर क्यू नॉट अगर 0 तो क्यू नॉट बार को हम क्या लिखेंगे, 0। अब हम फिर इसका स्टेट चेंज देखेंगे, ये क्या है, 0 to 1, इट मीन्स ये पॉजिटिव ट्रांजिशन है। फिर इस बार ये क्लॉक, ये फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा, जैसा था वैसे ही मेंटेन रहेगा। इट मीन्स 1 को 1 मेंटेन रखेगा एंड 0 को 0। ये जो ये वाला फ्लिप फ्लॉप है, इसका फंक्शन डिपेंड करता है कि इस फ्लिप फ्लॉप पे, क्योंकि इसका आउटपुट इसके क्लॉक, इसके आउटपुट इसके लिए क्लॉक का काम कर रहा है ना। अब हम फिर फोर्थ क्लॉक प्रोवाइड करते हैं, तो फोर्थ क्लॉक प्रोवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा, 1 से ही हो जाएगा 0। एंड क्यू नॉट अगर 0 तो क्यू नॉट बार हो जाएगा 1। एंड इसमें फिर ट्रांजिशन देखो, 1 to 0, 1 to 0 इट मीन्स निगेटिव ट्रांजिशन, 1 to 0 निगेटिव ट्रांजिशन। तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये वाला फ्लिप फ्लॉप ये काम करेगा इस बार एंड क्या हो जाएगा, 1 to 0 एंड 0 to 1। आप देखो कि आपने स्टार्टिंग में जब आपका फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट हुआ था, 0 0 से स्टार्ट हुआ था एंड आपका स्टेट आ गया 0 0, इट मीन्स आपका फ्लिप फ्लॉप मैक्सिमम जितना स्टेट को काउंट कर सकता था वो उसने काउंट कर लिया। एंड 2 बिट का है तो मैक्सिमम कितना काउंट करेगा, 2 पे पावर 2, इट मीन्स 4 स्टेट,
एंड आपका फोर्थ स्टेट आ चुका है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये तो फिर आपका इनिशियल स्टेट आ गया ना। एंड आप आउटपुट कहाँ ले रहे हो, क्यू नॉट एंड क्यू वन, एंड आप इसका कम्बिनेशन देखो कंबाइन में कि 0 0 1 फर्स्ट क्लॉक पे, 0 1 1 1 0 2 एंड थर्ड क्लॉक पे ये क्या हुआ 1 1। समझ में आया कि ये फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट एंड फोर्थ, फिर ये इनिशियल। एंड ये अप काउंटर है तो 0 से स्टार्टिंग कर रहा अपना काउंटिंग, 0 1 2 3, ये 2 का बाइनरी है, 3 का बाइनरी है, 1 का बाइनरी है एंड ये 0। यह हो गया ट्रूथ टेबल। अब हम इसको टाइमिंग डायग्राम से समझते हैं, इसका टाइमिंग डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना होगा एग्जाम में। तो टाइमिंग डायग्राम में एक तो आपको क्लॉक रिप्रेजेंट करना होगा एंड क्लॉक में आपको यहाँ पर निगेटिव पे हाईलाइट करना होगा क्योंकि आपका क्वेश्चन में दे रखा है निगेटिव एस्टिगर, तो आप क्या किए निगेटिव वाले साइड को हाईलाइट किया इसको, अगर आपको पॉजिटिव दिया होता तो इसको आप हाईलाइट करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्यू नॉट, क्यू नॉट पे जैसे ही हम निगेटिव क्लॉक प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या करेगा अपने स्टेट को चेंज करेगा। तो हम इनिशियल स्टेट सपोज करके चलें कि क्यू नॉट हमारा क्या है 0 है, तो 0 जब जैसे ही हमारे निगेटिव, यहाँ तक 0 रहेगा एज इट इज, जैसे हमारे निगेटिव आएगा क्लॉक ये क्या करेगा अपने स्टेट को चेंज करेगा, इट मीन्स 0 0 हमने सपोज किया तो क्या करेगा 1, एंड 1 ही कब तक मेंटेन करेगा जब तक कि नेक्स्ट हमारा निगेटिव क्लॉक ना आ जाए। तो निगेटिव क्लॉक हमारे यहाँ पर आ रहा है तो ये 1 को यहाँ पर मेंटेन रखेगा एंड जैसे ही निगेटिव क्लॉक आएगा फिर क्या करेगा अपने स्टेट को ये चेंज कर लेगा, एंड कब तक, जब तक कि फिर नेक्स्ट निगेटिव क्लॉक ना आ जाए। फिर ये जैसे नेक्स्ट क्लॉक आया फिर ये अपने स्टेट को चेंज करेगा, फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा, फिर ये नेक्स्ट आया फिर यहाँ पर 0 1 2 0 हो जाएगा, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। तो ये 0 था यहाँ पर 1 हुआ, फिर ये 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर ये 0 हुआ, फिर ये 1 हुआ, ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो ये तो हो गया क्यू नॉट ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए कि कैसे कैसे इसने क्लॉक पर रेस्पॉन्स किया एंड ये रेस्पॉन्स कब करेगा निगेटिव एज पे, एंड निगेटिव एज पर क्या करेगा जो इसका प्रीवियस स्टेट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो हमने स्टार्टिंग में 0 माना था, जैसे निगेटिव एज आया तो ये 0 to 1 हो गया एंड 1 को मेंटेन रखेगा जब तक कि नेक्स्ट निगेटिव एज ना आ जाए, नेक्स्ट निगेटिव एज जैसे आया फिर इसने क्या किया अपने स्टेट को कॉम्प्लीमेंट कर लिया, 1 था तो 0 हो गया, फिर नेक्स्ट आया फिर 0 था तो 1 हो गया, ऐसे ही चलता रहा। अब हम ये Q1 के लिए देखेंगे तो Q1 के लिए क्लॉक कौन सा काम करेगा, ये वाला क्लॉक काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला क्लॉक तो बस हमने इससे कनेक्ट किया है ना, इसके लिए क्लॉक क्या काम कर रहा है इसका आउटपुट, ये फर्स्ट वाले का आउटपुट। तो फर्स्ट वाला इसके लिए क्लॉक का काम करेगा ये वाला काम नहीं करेगा ये, क्योंकि ये आउटपुट है तो ये भी निगेटिव एस ट्रिगर्ड है तो ये भी निगेटिव पर ही काम करेगा। तो ये देखो ये पॉजिटिव है एंड ये क्लॉक का निगेटिव साइड है, ये वाला निगेटिव साइड है, ये वाला भी निगेटिव साइड है एंड ये वाला भी निगेटिव साइड है। ये तो पॉजिटिव है ना, ये निगेटिव डाउन वाला को निगेटिव बोलते हैं। तो ये क्या करेगा स्टार्टिंग में ये अपने स्टेट को मेंटेन रखेगा जब तक इसको निगेटिव क्लॉक पल्स ना मिले। जैसे इसको निगेटिव क्लॉक पल्स यहाँ पर मिला ये क्या करेगा अपने स्टेट को चेंज करेगा, 0 था 0 को मेंटेन रखा एंड ये फिर ऐसे मेंटेन करके रखेगा, जैसे ही फिर निगेटिव एज आया फिर ये अपने क्लॉक पल्स को चेंज कर दिया, अपने स्टेट को चेंज कर फिर ऐसे 1 to 0 हो गया एंड फिर ये जैसे ही आया फिर अपने स्टेट को चेंज कर लिया। तो ये 0, ये 0, फिर ये 1, फिर ये 1, फिर ये 0, फिर ये 1। तो ऐसे ये Q1 के लिए क्लॉक का काम कौन करेगा क्यू नॉट, ठीक है। एंड अगर आप इसको ऐसे देखो तो ये हो गया 0 0 0 1 1 0 1 1 फिर 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 एंड 0 0, इट मीन्स 0 से स्टार्ट हुआ फिर ये 0 स्टेट पर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह हम 2-bit काउंटर को कैसे डिजाइन करते हैं, कौन से कैसे सारे बेसिक चीज़ों को हमने कवर किया। एंड अगर आपको इस वीडियो समझ में आया एंड 2-bit काउंटर को कैसे डिजाइनिंग करते हैं या आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।